तो यार बहुत ही सुंदर है, जॉग फॉल्स देखने जैसा है। हालांकि आप इसको बहुत दूर से देख सकते हो, बट हमने तो ड्रोन शॉट लिया है। ड्रोन शॉट में तो काफ़ी मस्त आया और नीचे तक पूरी गहराई दिख रही है, जबकि वैसे आपको दिखती नहीं है। तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक तो इस साइड देख सकते हो, एक थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर आगे जाके एक और पॉइंट है, वहाँ से दिखता है। उसी हाईवे पर वापस जाना है हमें। अभी मुर्देश्वर 87 दिखा रहा है यहाँ से, तो रास्ते में अभी देखते हैं कोई बाइक वाला खुला होगा। तो यार इसका टॉप बॉक्स का रैक भी जो है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, तो वो भी टाइट कराना है। और क्या है 11:30 और यहाँ से मुर्देश्वर है 24 किलोमीटर्स, और अपनी राइड हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2, 3, 5, 6 किलोमीटर, 2356 किलोमीटर। एक और लोकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे। अमेजिंग लोकेशन है, मतलब कि देख के आप हैरान रह जाओगे। हम रास्ते में रुके थे का नट टाइट करवाने के लिए, क्योंकि पीछे जो हम कोशिश कर रहे थे वो नट हो गया था फेल, और अभी वहाँ पे टेप लगा के फिर डाला है, अभी तो वो सही हो गया है। और यहाँ पे किसी ने, लोकल ने बताया कि यहाँ पे बैक वाटर है शेरावती करके, तो वहाँ जा रहे हैं। वो रास्ते में पड़ता है, 7 किलोमीटर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो जी वहाँ चलते हैं। क्या राइड थी यार, क्या राइड थी, ज़रूर आना चाहिए यार इधर। साउथ आओ और जॉक फॉल्स नहीं किया, ये रोड पर ड्राइव नहीं किया, राइड नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। तो जी लोग पहुंच गए हैं हम शरावटी बैक वाटर्स। हाँ इधर देखते हैं पहले, आओ देखे सही। क्या बात क्या बात क्या बात, सिर्फ बोटिंग का है? हाँ बोटिंग का, बैक वाटर बोटिंग है सर पूरा, शरावती बैक वाटर बोटिंग। तो कहाँ लेके जाते हो, कितना लंबा? आपको 10 किलोमीटर का जर्नी रहता है सर। 10 किलोमीटर का जर्नी रहते हैं। अच्छा उधर, अच्छा आपको केरला साइड से लोटस तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं। हाँ। आपको एक ही बोट आपको मिलते हैं, आपको दो आदमी के लिए 1500 होता है आपको बोटिंग। कितना? 1500। ज्यादा है यार 1500 तो। कितनी देर लगती है, कितना देर लगता है? तो 10 किलोमीटर अप एंड डाउन 10 किलोमीटर होते हैं, एक डेढ़ घंटा। Yeah.
ये देखो दूध भी लाओ। ऊपर भी आ जाता है, ऊपर आ जाता है वो रहे दोनों भाग गए। तो यार खाना खा के निकल गए हैं। खाना बहुत ही बढ़िया था यार, बिल्कुल ना देसी स्टाइल का था खाना, एकदम घर वाली होती है ना, चिकन करी या फिश करी वैसा था, तो साउथ इंडियन वाला फील आया है, बहुत ही मजा आया यार खा के। यहाँ से मुर्देश्वर जो रह गया है दैट इज ओनली 17 किलोमीटर 17 मिनट दिखा रहा है, और हम बस पहुँचने वाले हैं यार अपनी डेस्टिनेशन पे। गोकर्णा से लेके मुर्देश्वर तक की रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है। दिल्ली में तो यार ठंड पड़ रही है और यहाँ ठंड का कहीं नामो निशान नहीं है। 26-27 डिग्री होगा यहाँ पे टेम्परेचर। बाइक पे चल रहे हैं तो थोड़ा ठीक लग रहा है, खड़े होते ही पसीना आ जाता है। मुर्देश्वर 2 किलोमीटर। ओहो, लो जी शिव जी के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओ रे महादेव। कहीं भी देख लो, आगे है। हाँ चल चल देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये है जी मुर्देश्वर मंदिर, और सामने बनी हुई है बहुत ही फेमस महादेव की मूर्ति। इधर नीचे वाले ले लेंगे, सामने बाइक लगा देंगे अपना, बढ़िया एकदम। पानी 24/7 ओके है। एसी क्या टैरिफ है? क्या टैरिफ है बताओ। रेट है? हाँ यूट्यूबर। यस फाइनली यार मुर्देश्वर पहुंच गए हैं, और रूम बहुत अच्छा मिला यार। यूट्यूब का सुन के बेचारे ने प्राइस में डिस्काउंट दे दिया, 1200 रुपये में रूम मिला है, बिल्कुल नया बना हुआ है। और भाई साहब बीच एकदम सामने है, ये देख फोरी बीच सामने, मस्त लोकेशन है, मस्त लोकेशन। और ये मैं नंदी जी पहुंच गए हैं अपनी जगह पे, रूम के बिल्कुल सामने।